महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आज पहली मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन परीक्षाओं के परिणाम देरी से आने के कारण आज पहली मेरिट लिस्ट नहीं लगाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के सूचना एवं जनसंचार के निदेशक सुनीत मुखर्जी ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2012 और 13 में कुछ बदलाव किए गए हैं। 25 जुलाई को मदवी की पहली मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन कुछ कक्षाओं के परीक्षा परिणाम न आने के कारण अब 30 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन छात्रों के परीक्षा परिणाम देरी से आए हैं या फिर जो छात्र किसी कारण से अपनी परीक्षा परिणाम की कॉपी नहीं जमा करवा पाए हैं, वे छात्र 28 जुलाई तक संबंधित विभाग में जमा करवा सकते हैं। सुनीत मुखर्जी ने कहा कि 1 अगस्त को पहली काउंसलिंग होगी, जबकि दूसरी और तीसरी काउंसलिंग 3 और 6 अगस्त को आयोजित की जाएगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2012-13 में जो एडमिशन का शेड्यूल था, प्रवेश सारणी थी, उसमें कुछ संशोधन किया गया है। पहले 25 जुलाई को आज पहली प्रवेश काउंसलिंग होनी थी, अब नए सिरे से काउंसलिंग सारणी एडमिशन शेड्यूल बनाया गया है, जिसके तहत जिन विद्यार्थियों के अब तक परिणाम नहीं आए हैं या परिणाम आ चुके थे लेकिन वो अपना परिणाम का प्रूफ संबंधित विभाग जहां उन्होंने आवेदन किया था वहां जमा नहीं करवा पाए, ऐसे विद्यार्थीगण 28 जुलाई तक संबंधित विभाग, इसी कड़ी में अब नए जो सारणी के तहत 30 जुलाई को संबंधित विभाग संबंधित संस्थान में मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। और नई सारणी के अनुसार फर्स्ट अगस्त को पहली काउंसलिंग आयोजित की जाएगी, 3 अगस्त को दूसरी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी और 6 अगस्त को तीसरी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी।